एक हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने कहा था सर मेरा जो है 91 पोस्ट जो है उसमें जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और मेरे जो है मतलब 50 में से 50 क्वेश्चन सही थे और 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब रीज़न क्या, व्हाट इज़ द रीज़न, है ना। तो हेलो गाइस, मैं डॉक्टर पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने कैरियर प्लस चैनल में। आज मैं इसी की बात बताऊँगा, बिल्कुल ही मतलब ऑथेंटिक न्यूज़ है, बिल्कुल पक्की खबर पे बताता हूँ मैं, ठीक है, कि सिलेक्शन उस लड़के का क्यों नहीं हो पाया और सिलेक्शन क्यों नहीं होता, इसके रीज़न, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्या सारी की सारी सीटें पहले से बिक जाती हैं क्या, ठीक है, या फिर जो है लगभग कितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी मेरिट बनती है ना वो डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के अकॉर्डिंग बनती है। अब देखो कैसे, सपोज़ जो है उस लड़के का जो है 91 पोस्ट जो थी उस पे जो है उसमें जो इसका जो अभी जो इस कौन कौन सी थी उसके अंदर, वो उसके अंदर थी आपके लिए कुक थी, है ना, माली, स्वीपर, फरार्स, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसमें 91 उसमें पोस्ट में। तो बच्चा कह रहा सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरे जो है पूरे क्वेश्चन सही थे और 5 साल का, है ना, 5 साल का एक्सपीरियंस भी था उसके पास, है ना, तो उसके बाद सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन, आप जानते हैं स्वीपर और फरहार्स का पेपर कितना सिंपल आता, तो हर किसी के कम से कम 50 में से 50 क्वेश्चन सही रहे होंगे और किसी के पास 5 साल का सर्टिफिकेट होगा, किसी के साथ किसी के पास 2 साल का सर्टिफिकेट होता, किसी के पास 10 साल का सर्टिफिकेट होता, बनवा लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ तो उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सबसे पहली बात, हम जो मेरिट बनाते हैं इसकी तो अल्फ़ाबेट पहला देखते हैं हम उसका अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। माना कि सपोज़ मेरा नाम पंकज है, ठीक है, मेरा नाम पंकज है, ठीक है, और उसका नाम क्या अमित होगा। मेरे नंबर जो हैं मतलब मेरे भी जो हैं 50 में से सपोज़ 50 क्वेश्चन सही है, मेरे पास भी 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और इसके पास इसके अमित के पास भी जो है 5 साल का सर्टिफिकेट है, 50 में 50 क्वेश्चन सही है। पंकज जो मेरा नाम, मेरे भी 50 में 50 क्वेश्चन सही है। मेरे लिए अगर डेट ऑफ बर्थ होगी 1992, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी 1996, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं जब इसकी मेरिट बनती है ना, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, हम जो हैं बताते हैं कि दो, तो पहला प्रीफ्रेंस किसको मिलेगा, 1992 वाले को, क्यों, क्योंकि इसकी एज ज़्यादा निकलती जा रही है, अगली वाली वैकेंसी मौका नहीं मिलेगा, मौका जो है उनको नहीं मिलेगा, इनकी डेट निकल जाएगी 35 से 40 जो भी है, इनकी डेट अभी है तो 5 साल का सर्टिफिकेट है, ठीक है। और दूसरी बात, ये कब होता है, जब होता है जब नंबर सबके सेम हो, ठीक है, सेम नंबर हो तो तब जो है ये आंकड़ा लगाते हैं। और ये मैंने कैसे पता है कि टीजीटी अभी 16 वाले का जो जॉइनिंग चल रही है ना, 2016 में इसकी भर्ती आई थी गवर्नमेंट टीचर इंटर कॉलेज जो टीजीटी की, उसमें जो थे उस कंडीशन में मेरा एक फ्रेंड था, उसके भी 216 नंबर थे, एक लड़के के 216 नंबर पॉइंट, उसका नाम भी उससे था। तो अल्फ़ाबेट से जो पी वाला जो नाम होगा ना, पी वाला, पहले हम देखते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अगर दोनों की सेम अगर निकलती है, सपोज़ मान के चलो 1992 इनकी भी है, 1992 अगर जो है इनकी भी है, तो हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ सेम है, नंबर सेम है ना, तो हम क्या करते हैं जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश के होते हैं ना उससे अकॉर्डिंग लगा लेते हैं, अल्फ़ाबेट में जिसका नाम शुरू में आ रहा हो। अब इनका नाम शुरू में अगर आ रहा हो, इनकी डेट ऑफ बर्थ 92, मेरी 92, इनका नाम शुरू में, तो इन्हें नौकरी मिलेगी ना कि मुझे मिलेगी, ठीक है, ये कंडीशन भी हो जाती है, है ना। अब बात करते हैं क्या क्या सारी सीटें पहले से बिक जाती हैं, तो सीधी सी बात मैं बताऊँ, 1 या 2% तो हर कहीं चलता है, ठीक है, 1% या 2% हर डिपार्टमेंट में होता है, मैं बताऊँ, 1% या 2% ये चीज़ तो है, मतलब हर डिपार्टमेंट। आप देखते हैं एलटी ग्रेट अज्जू कटियार जो हैं, पहले वो अध्यक्ष रह चुकी लोक सेवा आयोग की, आपने देखा अखबारों भरे पड़े अज्जू कटियार गिरफ्तार, एलटी ग्रेट की नियुक्ति अभी तक अटकी हुई है ना। इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि इसमें जो है 69,000 शिक्षक भर्ती, ये भी लटक गई, क्यों लटक गई पता आपको, टैट कितने SC वालों का होता है, टैट क्वालिफाइड होता 82 पे, उसके तो 82 भी ना थे, ऐसे ही थे 75 के आसपास। जब किसी का टैट नहीं निकला तो सुपर टैट में कैसे बैठ गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का किसी ने अगर प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड ना करा हो तो मेन एग्ज़ाम में कैसे बैठ गया, उस कंडीशन में किसी ने शिकायत कर दी वहाँ पर जो सिलेक्शन, वहीं पर सब अटक गई, भर्ती सब अटक गई। उसमें क्या है, दोनों भर्तियां जो है बहुत टीचर की भर्ती हैं। इसके बाद आती है टीजीटी, उसकी भर्ती भी चल रही है, तो उसमें कंडीशन भी ये आ गया था, ठीक है, 1 या 2% तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 या 2% तो है पहले से ही मतलब होती हैं, ठीक है, बिक जाती हैं, ठीक है।
लगभग 99% तो फ्रेश है, जो 99% है ये मामला फ्रेश रहता है लगभग, ठीक है। इसमें आप कंपटीशन करिएगा, 1-2% को आप छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि लड़के आई एस पी सी एस की तैयारी करते हैं, क्या वो भी सोचेंगे कि लटक गई और मतलब भर्ती लटक गई, ऐसी कोई बात नहीं, भर्ती वाला चलता ही है, वाला चलता हो, हमें क्या, हमें तो सिलेक्शन उसमें लेना है, 99% में हम 1-2% में जाएंगे क्यों, ठीक है, सीधी सी बात, मेहनत करिएगा। इसके बाद लगभग कितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली बार लास्ट ईयर कम से कम 3-4 लाख बच्चे जो थे उसके प्री एग्ज़ाम में बैठे थे, मतलब प्री में जो है 3-4 लाख बच्चा था इसके अंदर, 3-4 लाख जो था ये बच्चे प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड करते हैं, फिर जो उसमें छटनी जो होती छटनी, तो उसमें एक सीट पे 5 गुना बुला लेते हैं, किसी किसी में 7 गुना बुलाते हैं, तो कम से कम 90,000 जो थे, 90,000 बच्चे जो है सेकंड वाली जो इलाहाबाद में एग्ज़ाम होता है ना, इलाहाबाद में मेन एग्ज़ाम होता है, उसके लिए प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद 90,000 बच्चे जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सेकेंड एग्ज़ाम देने के लिए गए, मतलब इलाहाबाद में जो है उनका जो डिस्ट्रिक्ट जो सेंटर जो होता है वो मेन एग्ज़ाम का वो इलाहाबाद में पड़ता है, ठीक है। तो सीधी सी बात, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और धैर्य बनाकर रखिए कि आपकी ज्वाइनिंग जो है किसी की ज्वाइनिंग अटकी पड़ी है वो सब हो जाएगी धीरे धीरे, हैं उनसे आप पूछेगा चलो आपकी ज्वाइनिंग अटकी, कुछ लड़के ग्रुप सी ग्रुप डी की है ज्वाइनिंग अटकी पड़ी, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनसे दिल से पूछिए, आपका सिलेक्शन तो हो गया, आपकी लिस्ट में नाम तो है, कम से कम धैर्य रखो, है ना। जिनकी अगर वो उनसे पूछे जो भर्ती का इंतजार कर रहा बेचारा कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना, मतलब और पेपर कैसा आएगा, है ना, बड़ा हार्ड आएगा, तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, है ना। मैं जो हूँ अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल जो है करेक्ट न्यूज़ देता हूँ, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आज सब्सक्राइब भी कर दीजिए कीजिए सब्सक्राइब भी जो कर दीजिएगा, मतलब बस सुन लेते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते वीडियो को, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस, थैंक यू वेरी मच।